बस भी करो ना तुम दोनों, कब तक खड़ी रहोगी मैं इस तरह? तुम सीधी खड़ी हो जाओ यार, हाथ उधर करो। हाँ, अगर ये मोटे दामन को डलवा कर बॉर्डर चौड़ा कर दिया जाए तो। ओबे भाई मैं थक गई हूँ, प्लीज सीधी खड़ी रहो। पता क्या, मैं कह रहा था कि अगर हम इसी में चार कलियां और बढ़ा देना तो बॉर्डर बड़ा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो मोटिव भी निकल कर आएगा, क्या कहते हो? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या मार का सर कर रहे हैं दोनों? मार का ही है ये, फाइनल प्रोजेक्ट है हमारा, कोई हलवा नहीं है। हसन और उमर भाई, तुम दोनों ना कान खोल कर मेरी बात सुन लो, दिस इज लास्ट टाइम। अगली बार मैं मॉडल बनकर तुम लोगों की कोई हेल्प नहीं करने वाली। भला ये कोई शराफत है? अच्छे ग्रेड्स मिले तुम्हें और लोगों की वाह वाह लो तुम दोनों, और मैं बेचारी यहाँ घंटों मॉडल बनके खड़ी रहूं। तुम बस सीधी खड़ी हो जाओ, हाथ इधर करो, ये वाला इधर, बस सीधी तो खड़ी रहो। मैं बता रही हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम लोग कोई और मॉडल अरेंज करो। एक बार डिग्री मिल जाने दो, हमें डिजाइनर बन जाने दो, फिर देखना रोजाना तुम्हारी जगह नई नई मॉडल आया करेगी, मजा आएगा यार। अच्छा तो तुम दोनों इसलिए डिजाइनर बन रहे हो? उमर भाई तुम तो खैर मनाओ, मैं बताती हूँ अम्मी को। नहीं नहीं, वो मजाक कर रहा है, वो मजाक मजाक। तुम तो हसन बच्चू याद रखना, अभी जाके आंटी को बता के आती हूँ तुम दोनों की हरकतें। नहीं मजाक कर रहे यार, मुझे क्या पता ये सीरियस हो जाएगी। नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। और अब ये क्या कर रहे हो तुम? नहीं मेरा मतलब पाकिस्तान में इतनी पतली कमर किसी लड़की होती है? सलाम अलैकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। आ गए बेटा, तुम दोनों की तैयारी कैसी जा रही है? जी तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं, बस आप दुआ करें कि हमारे आइडिया सबको पसंद आ जाए। अरे क्यों पसंद नहीं आएंगे, तुम और उमर इतनी मेहनत जो कर रहे हो। आपका भाई? अभी थोड़ी देर हुई, क्लिनिक में बहुत रश था। थक तो मैं भी बहुत गया हूँ, खाना मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ऑलराइट। अच्छा मेरे भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही दिमाग। कॉफी क्या है? हसन के बच्चे। वालेकुम बेटा, आओ हसन बेटा नाश्ता करो। नहीं थैंक यू आंटी, नाश्ता मैं करके आया हूँ आंटी। वो उमर का है, हम यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो गए। अभी रात से जाग ही रहा था, आ ही रहा होगा आवाज दो। एग्जाम खत्म हो तो सुकून में आ जाए बच्चे बेचारे, आज लास्ट पेपर है। सुकून में आ जाए बच्चे बेचारे, आपके इन बच्चों ने हमारा जो सुकून बर्बाद किया है उसका क्या? देखने कितना चले टूटी जल टुकड़ी। उमर नाश्ता करो, मुझे भी निकलना है, तैयार भी होना। और एक राउंड और नहीं कर, क्या कर रहा है? पिटेगा ना कोई हमें यार, कौन है यार? कुछ भी हो यार, हमारा आइडिया था ही इतना टची, इसीलिए सबने अप्रिशिएट किया है। रात भर कुत्तों की तरह काम किया है, अभी भी फेल होते तो फिर लाना था हम पे। खैर फाइनल एग्जाम्स अच्छे हुए हमारे, आई होप सब आगे भी अच्छा हो जाए। और एक राउंड और नहीं कर, क्या कर रहा है? नहीं पिटेगा ना कोई हमें यार,
कौन है यार? मैं तीन दिन से देख रहा हूँ, मेरी रातों की नींद हराम की। मोहल्ले की लड़कियाँ बहनों जैसी होती हैं। मेरी बहन नहीं है, तू समझते रहे बहन। मैं तीन दिन से देख रहा हूँ उसे। यार मेरी मदद करना, तुझे पता कहाँ रहती है? नहीं तो पता करना फिर। पैसे लगेंगे ना यार। पैसे लगेंगे का बच्चा? अच्छा मत करना, लोग देख रहे हैं, मत करना, ना करना। मैं जा रहा हूँ, तू जहां बैठा रहा, खुद पे। उमर यार, वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा आओ। अरे ये क्या लाई है? मैं पास्ता लाई हूँ, आज संडे था ना तो सोचा थोड़ी सी कुकिंग कर लूँ। थैंक यू। ओ हसन नहीं घर में? नहीं बेटा, उसे किसी काम से जाना था। अच्छा चले मैं चलती हूँ। अरे बैठो ना, अभी अगली दफा आऊंगी ना तो बैठूंगी। अच्छा बेटा, मम्मी पापा को सलाम कहना। श्योर। ओके हाफिज। तुझे किसने बताया? चौकीदार ने। उसे किसने बताया? वो बराबर वाले बिल्डिंग में है ना, वहाँ पर रहती है। तो वहाँ टानों से निकल रही थी, चौकीदार ने गाड़ी देख ली, नई फैमिली आई है वहीं रहने। आर यू श्योर? हाँ हाँ, तू क्या है तो उसे घर का नंबर बता दो। आगे 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 आगे। मौका अच्छा, जा जा, उसको पिट्ठू भी नहीं आया आवाज। जाओ 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 जाओ। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं देखने आई हूँ, तुम दोनों यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे होते हो? क्या करते हैं? जॉगिंग करने आते हैं और क्या? तुम क्या समझी हम यहाँ रैंप वॉक कर रहे हैं क्या? तुम चीख क्यों रहे हो? मेरी तुम नौकर जॉगिंग कर। किस पे गई है यार तेरे घर में? तुम घर चली जाओ ना प्लीज। दीदी मैडम ये घड़ी आपकी। जाओ जाओ। तुम क्या इशारे कर रहे हो? कुछ नहीं इशारे कर रहा हूँ। मैं भी तुम्हें साथ जाऊंगी करूँ। तो कुछ नहीं, आ जाएगा ना, आ जाएगा वो। लाओ मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। नहीं मैं खुद दे दूंगा, रहने दें आप, चलें वॉक करें। खुद दे दूंगा? ओहो उसकी घड़ी के हाथ लग गई, ऐसे खुश हो रहा है जिस तरी लॉटरी निकल आई हो। हाँ लॉटरी समझ ले यार। तो ये सुन, जब कल सुबह मैं जाकर उसे घड़ी वापस करूंगा तो क्या होगा? क्या होगा? आंटी आपने तकलीफ क्यों की? अरे नहीं बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है, तुम तो एग्जाम के बाद गायब ही हो गए। और एनी कैसी? ठीक है। उससे कहना पास्ता बहुत पड़ेगा। श्योर। क्या होगा? इंतजार नहीं हो रहा, कल देख लेना।
यार वो जो इशारों वाली जबान होती है ना, जो जो बोल नहीं सकते उनको हाथों से समझाते हैं, साइन लैंग्वेज। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए तो बहुत सारी होती हैं। आपका बच्चा? इनकी बच्ची है। हाँ तो क्या उम्र है बच्ची की? 24 साल उम्र है। आप उम्र की पूछ रहे हैं? घड़ी दे दी? बोलती नहीं है। क्या टाइम नहीं बताती? खराब है क्या? घड़ी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं। किसकी? सबूई की। उसका नाम सबूई है? हाँ। तुझे किसने बताया? लो चौकीदार को एक पैकेट सिगरेट का दिया, नाम हिस्ट्री सब है। यकीन जान यार, मेरा तो दिल ही बैठ गया ये सुन के। इतनी प्यारी लड़की और बोल नहीं सकते। तो हम घड़ी नहीं देगा उसे? देख, बोल नहीं सकती पर देख जरूर सकती है वो। उसको लेकर मजाक नहीं कर, मुझसे बता रहा हूं मैं। ओ, कुछ ज्यादा ही प्यार नहीं हो गया? अगर हो भी गया तो क्या फायदा इसका? गूंगी है इसलिए। उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, वो उसी के साथ पार्क में आता है, उसी के जैसा है। वो लोग बातें करते हैं, खुश होते हैं। मुझे लगता है वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है यार। बॉयफ्रेंड? वो उस दिन वाला? बॉयफ्रेंड नहीं है, पिछवाड़े टाउन हाउस में रहते हैं, सारी फैमिली एक जैसी है। भाई है उसका। क्या? तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे यार? पता चला। अरे पप्पी दे। नहीं, बाल देखे, बाल देखे, बाल देखे, बाल खराब नहीं करना मत। तो लगता है ऐसे कि जैसे युवा। आजा आजा आजा, बहुत अच्छी लव स्टोरी चल रही है। सिर्फ लड़की गूंगी नहीं है। अच्छा, मतलब मेरी जान पे बनी हुई है, तुम चिप्स खा रहे हो, मूवीज देख रहे हो। जी चलो, हमारे लिए फिल्म का। कहाँ? तुम चलो तो यार। कहाँ? क्या करेगा? बटवा लेके चलना यार। गाड़ी में। अच्छा जल्दी जाना। आप लोग मुझे बताएं क्या ढूंढ रहे हैं, मैं निकाल देता हूँ। हाँ, वो हमें साइंस वाली बुक चाहिए। वो जोडियक्स? जोडियक नहीं, तू बता इसको यार। यार वो जो इशारों वाली जबान होती है ना, जो जो बोल नहीं सकते उनको हाथों से समझाते हैं, साइन लैंग्वेज। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके लिए तो बहुत सारी होती हैं। आपका बच्चा? इनकी बच्ची है। हाँ तो क्या उम्र है बच्ची की? 24 साल उम्र है। आप उम्र की पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि मैं आपको बेसिक लेवल की किताब दिखाऊं या एडवांस। ओह आई सी, आपके पास जो कुछ है ना सब दिखा दें हमें। चले आ जाए मेरे साथ। कहाँ पर आए? आ जाओ। मैंने आपको क्या था? हाँ, मुझे आई लव अच्छी दिख। हो गया, देख इधर देख। मैंने आपको पार्क में देखा था। हैं?
आप मुझे अच्छी, ये भी होता अच्छी के लिए, अच्छी लगती हैं। कैसा ये कहेगा तू उसे थरकी? तो फिर और क्या बोलूं? अरे तू बोलो ना कि आप पार्क में वॉक कर रही थी तो आपकी घड़ी गिर गई, मैंने उठा ली। हाँ पागल हो गया तुम, मुझसे बोलेगी घड़ी तो पता नहीं कब गिरी थी, अब वापस देना याद आई है? अरे तू कहेगा तू सिर्फ बहुत बिजी था तो टाइम नहीं था मेरे पास, तो आपका पता चला पड़ोस में रहती है, एड्रेस निकाला मैंने और आ गया आपके घर आपको पर्सनली घड़ी देने के लिए। सिंपल सिंपल कितना आसान है। अरे सब बोलूंगा कैसे मैं? इशारों से मेरे भाई। बड़े मुश्किल नहीं है इशारे, इतनी सी बात बताने के लिए इतने सारे इशारे। तो ये हमें समझाएंगी कैसे? वो गूंगी बहरी नहीं, उनके हस्बैंड गूंगे बहरे। अच्छा ओए, अगर उनके हस्बैंड गूंगे बहरे तो साइन। Adrian Brody's role saw him become the youngest person to ever win a leading actor Academy Award. That's why The Pianist is number two. यार मुझसे नहीं हो रहा यार, ये इतना मुश्किल है, इतनी देर से इतने सारे इशारे जोड़ो तो एक जुमला बनता है। मैंने कहा था गूंगी बहरी में फंसने को। उमर मैं समझा रहा हूँ। अच्छा मेरी मदद करने के बजाय मेरे जख्मों में नमक छिड़क रहा है यार तू। अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों शोर कर रहे हो? तुम जाओ अपना काम करो। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों के तो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं ना, तो फिर ये कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो? हम कुछ नहीं, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। अच्छा ये क्या समझ रही है? ओह दरवाजा बंद तो किया करो यार। लेने के लिए आए थे वो, लेकिन अभी पता नहीं काफी देर हो गई है, पहुंचे नहीं है। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी वो उमर गए? बस कमरे में ही होगा, जाते देखो। जी थैंक यू। उमर का दोस्त था। उमर उमर आ, आ, आ। मैं उमर से मिलने आया था। लग तो नहीं रहा। हाँ
तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? ब्लैंकेट रख रही थी। हाँ। उमर, उमर। नहा रहा है वो, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ वो बाहर आए तो बता देना मैं आया था। हाँ भाई क्या सीन है, कहाँ है? मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ यार, बाहर आ। तो बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आ जा। अंदर नहीं आ सकता मैं, तुम बाहर आओ। भाई यार तू अंदर आ जा ना। मैं कह रहा हूँ आ जाओ बाहर यार। क्या है, क्या तकलीफ रहती है तुझे हर वक्त? मैंने सोच लिया, मैं उसे सब कुछ लिखकर बता दूंगा। ये खत लिखा है मैंने, मैं जा रहा हूँ उसके घर देने, जो होगा वो देखा जाएगा भाई। ना सुन 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 सुन, बस इतनी जल्दी हार गया, यही तेरी मोहब्बत थी? तो फिर और क्या करूं मैं? रातों को उसका चेहरा, उसके ख्यालात मुझे सोने नहीं देते यार। देख जरा अकल से काम ले, अगर उसे पता चल गया कि तू नॉर्मल है, बोल सकता है, सुन सकता है, तो फिर वो बेचारी कितनी अनकंफर्टेबल होगी तेरे साथ, है ना? और फिर अगर उसके दिल में कोई बात आ भी गई तो वो तुझे तो नहीं बताती। हाँ यार ठीक कह रहा, मैं फिर क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? अरे वाह क्या सा, क्या क्लास का आइडिया है मेरे पास। कैसा आइडिया? वे अगर ये आंटी गुंगी बहरी है तो ये हमें समझाएंगी कैसे? वो गुंगी बहरी नहीं, उनके हस्बैंड गुंगे बहरे हैं। अच्छा वे अगर उनके हस्बैंड गूंगे बहरे हैं तो साइन लैंग्वेज इन्हें कैसे आती है? यार मैं कौन सा गमला तेरे सर पे मारूं, तू यहाँ किस लिए आया? मैं। अरे उमर तुम? हाँ हाँ जी आंटी, सलाम अलैकुम। आओ अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो, आओ। थैंक यू। कैसे हो, अंदर आओ। सलाम अलैकुम जी। आंटी से पूछ के घड़ी का क्या इशारा होता है? आंटी वो घड़ी का इशारा क्या होता है? वही सिंपल सिंपल आंटी से पूछ के आई लव यू का इशारा पूछ। आंटी वो आई लव यू का इशारा क्या होता है? अगेन वेरी सिंपल, जस्ट वन साइन। अच्छा वेरी गुड। पार्क, हम पार्क जाते हैं, पार्क का क्या इशारा होता है? बच्चे पार्क, बच्चे पार्क, गुड हो गया जी। बहुत जल्दी विजय, आंटी से पूछ के विल यू मैरी मी का क्या इशारा होता है? आंटी वो होता है ना, वो जो कहते हैं विल यू मैरी मी, कैसे कहते हैं वो? बहुत आसान। एक दफा और प्लीज। थैंक यू। बस नहीं बस और कुछ नहीं, बस काफी हमारे लिए, थैंक यू वेरी मच। नहीं हाँ नहीं बस बहुत हो गया। तुम मेरे दोस्त हो, बहुत क्या है तुम्हें? यार कोई काम नहीं है, मैंने चाय नहीं बनाया था, सोचा तुम्हें दावत दे दूं। अच्छा रुकना एक मिनट। अच्छा उमर कहाँ है?
से आ रहे हो? मैं तो काम से गया था, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारा इंतजार। क्या? आप, तुम्हें कैसे पता चला मैं आने वाला हूँ? इसलिए कि मेरा दिल कह रहा था। अच्छा, काम क्या है तुम्हें? यार कोई काम नहीं है, मैंने चाइनीज बनाया था, सोचा तुम्हें दावत दे दूँ। अच्छा रुकना एक मिनट। अच्छा उमर कहाँ है? कोई घर पे नहीं है। क्या? तुम भी ना एक नंबर के ड्रामे हो, तुम्हें पता है सब घर पे होते हैं हर वक्त। शुक्र। अच्छा चलो अब तुम जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। बाय। डर ही लगता है इससे तो। आ जाए मामा। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज आपको मुझ पे। ये तो है। तुम क्या कर रही हो यार? चीख क्यों रहे हो? प्यार से बात नहीं कर सकते तुम मुझसे? प्यार से बात क्या काम है तुम्हें? ये बुक्स देने आई थी, भाई की टेबल की सफाई की थी।
तुम्हें क्या जरूरत ही देने आने की, मैं उमर से खुद ही ले लेता। ओह वाओ, व्हाट अ नाइस स्कर्ट, इतना ट्रेंडी है ना। किसके लिए तैयार किया है? कोई प्यारी सी। तुम ये सोचो कि जब ये ड्रेस इतना प्यारा है तो इसको पहनने वाली कितनी प्यारी हो। Really? किसके लिए तैयार किया है? कोई प्यारी सी। तुम ये सोचो कि जब ये ड्रेस इतना प्यारा है तो इसको पहनने वाली कितनी प्यारी होगी।
तुम खैरियत? क्या तुम सबूरी से बात करते हो? भाई क्या चल रहा है उन दोनों में? भाई मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या है नी? यही कि हसन और उस लड़की में क्या चल रहा है। किस लड़की में? भनु मत, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। दोस्त है उसकी। क्या हसन उसे पसंद करता है? नहीं, शायद पता नहीं। क्या वो जानता है कि वो सुन बोल नहीं सकती? हाँ। तो क्या वो उससे मोहब्बत करता है? पता नहीं। हाँ नहीं, वो कोई मोहब्बत नहीं करता उस गूंगी लड़की से। खेल रहा है वो उसके साथ। Just mind your own business.
क्या तुम सबूरी से प्यार करते हो? हाँ, मगर तुम क्यों? तुम पहले मेरी बात का जवाब दो। हाँ एनी, लेकिन क्या उसे पता है कि तुम बोल सकते हो? नहीं, मगर मैं तुम उसको चीट कर रहे हो एनी। तो क्या नहीं कर रहे हो? तुमने उसको झूठ बोला है कि तुम भी उसी लड़की की तरह सुन बोल नहीं सकते। मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। शेम ऑन यू, तुम एक गूंगी लड़की की फीलिंग से खेल रहे हो। जस्ट शट अप, गेट लॉस्ट, जाओ यहां से। बस यार, एक बार रिजल्ट आ जाए फिर मैं भी अपना लेबल लॉन्च करूँ। ओहो, बड़े फास्ट चल रहे हैं, क्या बात है आपकी। यार उबर, मैं सोच रहा हूँ आजकल के मॉम को जल्दी से सुबह ही से मिलवा दूँ एकदम। और अगर आंटी ने एतराज कर दिया तो? नहीं यार, यू डोंट नो माय मॉम, आई एम श्योर उन्हें सुबह ही बहुत पसंद आएगी। वही इतनी प्यारी।
देखिए इस हफ्ते देसी गर्ल्स कर रही है सामना नित। सुबह ही ये सच है कि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बहुत प्यार करता हूं। आई रियली लव यू। मेरा एक ही मकसद था, मैं तुम्हें किसी महरूमी का एहसास नहीं दिलाना चाहता था, बस तुम जैसी भी हो, आई मीन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी। पहले नहीं बोल सकते थे? तुम बोल सकती हो, आई मीन तुम बोल सकती हो, ओह गॉड। लेकिन तुम्हारे घर पे तो मेरा मतलब सब, तुम कैसे बोल सकती हो? एक मिनट, हैंग ऑन, लेकिन तुम यहां बैठो। जब तुम्हें पता चल गया था कि मैं बोल सकता हूं तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए था, तुम नाराज क्यों हो गई मुझसे? ये क्या है? ये सब बकवास लिखा है, अल्लाह की कसम बकवास, सब झूठ है ये। शख्स मैन, ये तुम्हें मेरी बात पे यकीन है? मैं, लेकिन उसने ये सब लिखा क्यों है यार? शख्स मैन, तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? ये पागल लड़की है, बिल्कुल इस पे यकीन मत करना तुम। गॉड, अच्छा तो ये वजह थी तुम्हारी नाराजगी की, और मैं समझा कि सुबुही, अगर तुम ये समझती थी कि आई मीन मैं भी ऐसा ही हूं, तो तुम शादी क्यों कर रही थी मुझसे? मेरा मतलब है कि तुम सारी जिंदगी कैसे गुजारती मेरे साथ? जैसे अभी गुजारे, मेरे लिए क्या नया था तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल करना? सुबह ही विल यू मैरी मी?
क्या क्या